डालेंगे हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे हमारा मसाले का कलर अच्छा आएगा। ये हमने डाल दिया, अब इसको हम थोड़ा सा मिलाएंगे इस तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे ये जो हमने परवल के अंदर निकाल के पीसा था, ये इस तरीके से। अब इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर, जब अच्छे से ये भून ना जाए, हमारा तेल तेल दिखने लगेगा भूनने के बाद, तो समझो हमारा ये तैयार है। अब इसमें जाएगा हमारा धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर एक बड़ा चम्मच, एक ये आधा चम्मच। अब थोड़ा सा डालेंगे हम लोग इसमें लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ही डालेंगे, हमने हरी मिर्च इसमें पीस रखा था पहले ही, बहुत अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं, हम लोग कम तीखा खाते हैं। अब ये अच्छे से भून ले देंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक, ये थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इसको अच्छे से चलाएंगे। हमारा मसाला देखो कितने अच्छे तरीके से भून गया, मसाला कितने अच्छे तरीके से हो गया। अब हम इसको भर लेंगे, गैस बंद करते हैं। अब हम कढ़ाई उतारेंगे नीचे, अब इस तरीके से इसको उठा के, खाली है इसको इस तरह से खोल देंगे और हम इसमें इस तरीके से मसाला भरेंगे आराम से, नहीं तो हमारा हाथ जल जाएगा, गरम है अभी। ये हमारा तैयार हो गया है, बाकी भी पीसेस हम ऐसे ही भर लेंगे सारे को, ये इस तरीके से। ये हमने अब ये भर जाता है तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमने सारे मसाले इसमें भर दिए, ये देखिए। अब हम इसको रख भी सकते हैं एक दो दिन तक फ्रिज में, जब जल्दबाजी में कुछ खाना हो तो ये एक पीस निकाल के अपना रोटी चावल के साथ खाओ, बहुत टेस्टी है। तो ये हो गया हमारा आज रात के रोटी के साथ खाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, अब अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसलिए बाय बाय।